सूरह मुल्क रोजाना रात को पढ़ने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 30 आयात की एक सूरत है और जो अजाब कब्र से बचाती है जो रात को पढ़ता है, लेकिन आपने साथ ये भी फरमाया कि कम लोग होंगे इसको पढ़ने वाले, इसलिए कि उस वक्त नींद आई होती है, उस वक्त अगर पढ़ना है तो उसके लिए अजाब कब्र से निजात है। मौत और नींद की आपस में मुशाबत है, नींद के वक्त मौत की सी तैयारी करके सोना और अपने मामलात सारे क्लियर करके सोना। असल बात यह है, 3 दफा इस्तिगफार पढ़ें आप, आयतुल कुर्सी पढ़ें आप, जो दुआएं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई वो पढ़ें, सूरह मुल्क पढ़ें, फिर आप सोएं, समझें आप अपनी तरफ से मर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। और मरते वक्त जिस तरह की माफी की जरूरत है अल्लाह से मांगने की, उस तरह की माफी मांग के सोएं। और जो माफी मांगे बगैर या ईशा की नमाज पढ़े बगैर जो सो जाता है इस तरह से, तो ये तो मैं समझता हूँ दुनिया कायनात का सबसे बड़ा रिस्क है।